बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम ख़बरें शेयर करेंगे और इसके अलावा आज की वीडियो उन अफराद के लिए बहुत अहम है जिनके अभी तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अकामी और एग्जरी एंट्री वीज़े फ्री में 31 जनवरी 2022 तक एक्सटेंड नहीं हुए, उनके लिए सऊदी जवाज़ात की तरफ से एक नई खबर आई है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि 10 दिन बाकी रह गए हैं, तो जवाज़ात ने ट्वीट करके बताया है कि आप अपनी स्क्रीन पर जवाज़ात का ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें जवाज़ात का कहना है कि इंशाल्लाह तमाम लोगों के अकामी और एग्जरी एंट्री वीज़ा एक्सटेंड हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे गैर मुल्की हैं जिनके अकामी और एग्जरी एंट्री वीज़ा फ्री में एक्सटेंड नहीं होंगे। नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसे गैर मुल्की जिन्होंने सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज कम्प्लीट करके गए हैं, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरेबिया से लगवा कर अपने मुल्क गए हैं, तो उनके अकामी और एग्जरी एंट्री वीज़े फ्री में एक्सटेंड नहीं होंगे। तो नाज़रीन बहुत सारे हमारे भाई हमें कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि हमें फ्री में एक्सटेंशन नहीं मिली, तो अगर आपने भी सऊदी अरेबिया में वैक्सीन की दोनों डोज कम्प्लीट करके छुट्टी गए हैं तो ऐसी सूरत में आपका अकामा और एग्जरी एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। नाज़रीन दूसरी जानिब महकमा जवाज़ात का कहना है कि कफ़ील अपने वर्कर्स का अकामा 3 माह, 6 माह, 9 माह के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि कफ़ील अपने वर्कर्स का जितनी मुद्दत तक चाहे अकामा बनवा सकता है और इसमें एक्सटेंशन करा सकता है। नाज़रीन कफ़ील ये काम अफसर अमाल और अफसर मुकीम के ज़रिए ऑनलाइन कर सकता है। नाज़रीन महकमा जवाज़ात का कहना है कि अगर गैर मुल्की कारकुन बैरून मुमलिकत यानी सऊदी अरेबिया से बाहर हैं तो ऐसी सूरत में कफ़ील अबशर या मुकीम के ज़रिए अकामे को एक्सटेंड कर सकता है और फिर उसके बाद एग्जरी एंट्री वीज़ा में फ़ीस पे करके खुरुजियोदा एक्सटेंड करा सकते हैं। तो याद रखें नाज़रीन, सऊदी जवाज़ात का कहना है कि पाबंदी वाले ममालिक के शहरियों के अकामे और एग्जरी एंट्री वीज़ों में तोसीक की जो सहूलत दी गई थी वो 31 जनवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगी, तो आप अपने कफ़ील और कंपनी से रब्ता करें। नाज़रीन एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया में नादरा के 3 दफातर जद्दा, रियाज और मदीना में काम कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता था क्योंकि ड्यू टू डेथ के लिए शनाख्ती कार्ड का कैंसिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 माह हो गए नादरा ने ये सहूलत सऊदी अरेबिया में कर दी है और अब कोई बंदा फोत हो जाए तो उसके लिए सऊदी अरेबिया से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसे CINC कैंसिलेशन ड्यू टू डेथ कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर बिलाल अकबर साहब ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट के लिए सऊदी एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से मुतलका हुकाम से बातचीत जारी है। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में बताया कि इसके अलावा सऊदी एयरलाइंस का एक अजाफी रूट पाकिस्तान में खोलने की कोशिश कर रहे हैं और बिलाल अकबर साहब का कहना है कि कोरोना के बाद आहिस्ता आहिस्ता मामलात ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन सऊदी अरेबिया में कोरोना के नए केसेस में कमी रिकॉर्ड की गई है जबकि शफा याब होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। नाज़रीन सऊदी अरेबिया की खबरों से बाखबर रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।